हेलो एवरीवन दोस्तों, अगर आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं और आपको अपने इंस्टाग्राम का ओल्ड पासवर्ड याद नहीं है, यानी दोस्तों आप पुराना पासवर्ड भूल चुके हो और आप चाहते हो नया पासवर्ड क्रिएट कर लेना, तो दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आए दिन इंस्टाग्राम में नए नए अपडेट आते रहते हैं और हाल ही में इंस्टाग्राम में जो अपडेट आया है जिससे इंस्टाग्राम का सेटिंग पूरा बदल चुका है, इससे काफी ज्यादा लोगों को इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल चुके हैं, पुराना पासवर्ड आपको याद नहीं है, तो भी आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड कैसे चेंज कर लोगे और नया पासवर्ड बना लोगे। मैं नहीं मानता। ओके, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देख लेना, अभी से वीडियो लाइक कर देना, बाद में भूल जाओगे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी दूं टेक्निकल स्विजी को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को सोसाइटी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड कैसे चेंज करोगे अगर आप अपने पुराना पासवर्ड को भूल भी गए हो तो भी दोस्तों आप चेंज करोगे। इसीलिए दोस्तों अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है, एंड ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोफाइल में आ जाना है। यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये ऊपर थ्री डॉट का, आपको इसी थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, और इस पर क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे काफी सारे ऑप्शन। दोस्तों यही है इंस्टाग्राम का नया अपडेट और सारा जो ऑप्शन है वो बदल चुका है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप चेंज करोगे और कहाँ पर आपको फीचर्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट सेंटर का, आपको इस अकाउंट सेंटर पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा थर्ड नंबर पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, देख सकते हैं दोस्तों, आपको इसी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा चेंज पासवर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ से इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि यहाँ पर जब आप अपने आओगे चेंज करने तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मांगेगा करेंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड, यानी यहाँ पर आपको पुराना पासवर्ड भी मांगेगा कि पुराना पासवर्ड डालिए तभी जाकर आप नया पासवर्ड बना सकते हैं, और पुराना पासवर्ड आप भूल चुके हैं आपको याद नहीं है। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, आपको बस क्या करना है बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको फिर से अकाउंट सेंटर पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनल डिटेल्स, देखिए पर्सनल डिटेल्स लिखा हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है। जब आप पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि आप अपने इंस्टाग्राम किस मोबाइल नंबर से बनाया है या फिर किस जीमेल आईडी से बनाया है, यहाँ पर आपको ये देख लेना है। जैसे देखिए दोस्तों मैंने अपना इंस्टाग्राम मोबाइल नंबर से बनाया है और ये है मोबाइल नंबर, ये मैंने देख लिया। तो इस प्रकार से पहले आप देख लेना कि आपने अपने इंस्टाग्राम किस मोबाइल नंबर से बनाया है या फिर किस जीमेल आईडी से बनाया है। अब ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि इसका जरूरत क्या पड़ेगा। अब आपको कहना है बैक आना है, और अब आपको जाना है पासवर्ड चेंज करना है। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए फिर से आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों यहाँ पर आपको फिर से ऑप्शन मिलेगा चेंज पासवर्ड, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको आ जाना है प्रोफाइल में। अब प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड डाल दीजिए फिर नया पासवर्ड बनाइए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट योर पासवर्ड लिखा हुआ है, आपको क्या करना है पासवर्ड को फॉरगेट कर देना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आप पासवर्ड को फॉरगेट करोगे तो आपका जो ये इंस्टाग्राम आईडी है जिस जिस डिवाइस में लॉग इन होगा वहां से लॉग आउट हो जाएगा। तो बेसिकली चलिए यहाँ पर क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉरगेट दोस्तों पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो अभी आपने इंस्टाग्राम अगर मोबाइल नंबर से बनाया होगा तो उस मोबाइल नंबर पे एक लिंक जाएगा, और अगर आपने जीमेल आईडी से इंस्टाग्राम बनाया होगा तो उस जीमेल आईडी पे लिंक जाएगा। तो मैंने अपने मोबाइल नंबर से बनाया था तो मैं अब जाता हूं अपने मोबाइल नंबर के मैसेज बॉक्स में। जैसे देखिए दोस्तों यहां पर मैं स्क्रॉल करता हूं तो मुझे यहां पर मैसेज आ चुका है, यहां पर आप देख सकते हैं मैसेज मुझे आ चुका है, यानी मुझे एक लिंक आया है। मैं इस पर क्लिक करता हूं दोस्तों, देखिए मैं आप सामने लिंक पर क्लिक करता हूं तो यहां पर दोस्तों मुझे ये लिंक आया है, और यही लिंक पर मैं क्लिक करूंगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, और आप मोबाइल नंबर से बनाए होंगे तो आपको मोबाइल नंबर पर लिंक आएगा, और जीमेल आईडी से बनाएंगे तो जीमेल आईडी पर लिंक आएगा। तो चलिए हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर लिंक को ओपन करूंगा, थोड़ा देर लोडिंग लेगा, और यहाँ पर लोडिंग लेने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ पर नया पासवर्ड आप बना लीजिए। देख सकते हैं दोस्तों, देखा दोस्तों मैंने अपना पुराना पासवर्ड भूल गया था फिर भी मैं यहाँ पर अब आ गया नया पासवर्ड बनाने को। तो चलिए दोस्तों अब घबराने की क्या बात है, यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड बना लीजिए इंस्टाग्राम का। तो चलिए फिलहाल मैं बना लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पर पासवर्ड बना लिया, और यहाँ पर मैं रिसेंट पासवर्ड पर क्लिक करता हूँ। रिसेंट पासवर्ड पर जैसे दोस्तों मैं क्लिक किया, यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लिया, और प्रोसेसिंग लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का पासवर्ड बन जाएगा। देखिए दोस्तों लोडिंग लिया, और यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का पासवर्ड बन गया। देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड
चेंज कर लिया। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड अगर भूल भी गए हैं तो बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी और आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड अगर भूल भी गए हैं तो आप अच्छे से उसको चेंज कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कर देना और हमारा भी इंस्टाग्राम अकाउंट है technicalswith12। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वहां से दोस्तों आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना, आपके हर प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्विथ जी चैनल।